गंगा दशहरा 2021 कब है? हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का क्या महत्व है और गंगा दशहरा की पौराणिक कथा क्या है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं रणधीर और आप देख रहे हैं अध्यात्म इंडिया। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल अध्यात्म इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर किस बात की, अभी कर लीजिए ताकि इस तरह की खास लेटेस्ट वीडियो आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। गंगा दशहरा हिंदू शास्त्रों में बेहद महत्वपूर्ण पर्व माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष के ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। वर्ष 2021 में ये पवित्र तिथि 19 जून शनिवार शाम 6:47 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी 20 जून रविवार को शाम 4:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में मुख्य रूप से ये पर्व 20 जून को ही देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का बहुत महत्व है। ये दिन माँ गंगा की जयंती का दिन माना गया है, अर्थात यही वो पावन तिथि थी जब माँ गंगा स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आई थी और उसी दिन इस तिथि पर माँ गंगा का पूजन करने की परंपरा की शुरुआत हुई। इस दिन को लेकर ये माना गया है कि जो भी व्यक्ति इस खास दिन गंगा में स्नान करने के पश्चात श्रद्धा के अनुसार दान करता है उसे न केवल अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि उसे कई महायज्ञों के समान पुण्य भी प्राप्त होता है। यही मुख्य कारण है कि इस दिन दान पुण्य करना शुभ माना गया है। इस दिन अपने पितरों को जल देने की भी परंपरा है। हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कहा जाता है कि सतयुग में सगर नामक एक राजा थे जो सूर्यवंश राजकुल पर शासन करते थे। राजा सगर राजा भागीरथ के पूर्वज थे। एक बार राजा सगर ने अपनी उत्कृष्टता और संप्रभुता साबित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किए। यज्ञ के परिणामों और चिंता व भय के कारण भगवान इंद्र डर गए और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों को चुरा लिया ताकि यह पूरा न हो सके। उन्होंने ऋषि कपिल के आश्रम में घोड़ों को छोड़ दिया। जब राजा सगर और उनके पुत्रों को घोड़ों के बारे में पता चला तो उन्होंने गलती से ऋषि कपिल को अपने घोड़ों को चुरा लेने वाले व्यक्ति के रूप में देखा। इस प्रकार क्रोध और प्रतिशोध में राजा के सभी पुत्र पवित्र ऋषि पर हमला करने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वे इस तरह के पाप पूर्ण कृत को करते ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया और परिणाम स्वरूप वे सभी जल गए। पूर्ण परिदृश्य के बारे में जानने पर ऋषि कपिल ने राजा सगर के आयुष्मान नाम के पोते को घोड़े लौटा दिए। उन्होंने ऋषि से अपने सांप को वापस लेने का अनुरोध किया। इसके लिए ऋषि कपिल ने उनसे कहा कि वे अपने श्राप से तभी छुटकारा पा सकते हैं जब देवी गंगा पृथ्वी पर आकर उन सभी को अपने दिव्य जल से शुद्ध करती है। बाद में भागीरथ जो राजा सगर के उत्तराधिकारियों में से एक थे ने देवताओं की मदद लेने और पिछले कर्म से छुटकारा पाने और अपने पूर्वजों की आत्माओं की शुद्धि करने के लिए घोर तपस्या की। वह जानते थे कि केवल माँ गंगा ही उन्हें पवित्र करने की शक्ति रखती है। भागीरथ ने कठोर तपस्या की और आखिरकार युगों के बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित होंगी और उनकी मदद करेंगी। लेकिन फिर भी एक बड़ी दुविधा थी क्योंकि गंगा का बहाव इतना मजबूत था कि यह पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। भगवान ब्रह्मा ने भागीरथ को भगवान शिव से अपने बालों से गंगा नदी को छोड़ने का अनुरोध करने के लिए कहा क्योंकि वह एकमात्र ऐसे हैं जो गंगा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं। भागीरथ की भक्ति और सच्ची तपस्या के कारण भगवान शिव सहमत हो गए और इस तरह गंगा पृथ्वी पर आई और उनके पूर्वजों की आत्माओं को शुद्ध किया।